पेड़ पौधे वन और जंगल की रक्षा, इसमें छिपी है मानव जीवन की सुरक्षा। विश्व वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य मकसद दुनिया के विभिन्न देशों को वनों का महत्व समझाना और वनों के संरक्षण करने में समाज का योगदान हासिल करना है। धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए इंसानों, जीव जंतुओं, पानी, मिट्टी और हवा के साथ साथ वनों का भी अहम योगदान और महत्व है। जंगलों और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब धरती पर वन सीमित होकर रह गए हैं, जिसके कारण जीव जंतु के आवास भी सिमट कर रह गए हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से मची तबाही ने ही काफी मात्रा में जीव जंतुओं और जंगलों को जलाकर खाक कर डाला। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको वो सारी जानकारियां देंगे जो आपको जानना है जरूरी, जैसे विश्व वन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, वनों और जंगलों का क्या महत्व है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए साल 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया। विश्व स्तर पर 21 मार्च के दिन विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार पहली बार वैश्विक स्तर पर वन दिवस बनाने की शुरुआत यूरोपीय कृषि परिसंघ की 23वीं महासभा के जरिए 1971 में की गई थी। यूरोप में विकास के नाम पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के दुष्परिणामों को देखते हुए यह दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। भारत में हर साल जुलाई के महीने के पहले सप्ताह में वन महोत्सव के रूप में यह दिन 1950 से ही मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव बनाने की शुरुआत उस समय रहे कृषि मंत्री कुलपति कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के जरिए की गई थी। 70 के दशक में यूपी में चमोली में लोगों में पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में लोग पेड़ों के चारों तरफ घेरा बनाकर उससे चिपक जाया करते थे ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्यों मनाया जाता है? वन सभी जीव जंतुओं का आवास स्थान और भोजन का जरिया है और इससे ही हमारा जीवन है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वनों के महत्व को समझाना और वनों के संरक्षण के लिए आगे आकर काम करने के लिए प्रेरित करना है। वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बनी हुई है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग रखी गई है। इस दिन लोगों को पेड़ लगाने के बाद पेड़ों को कटाई ना करने के संदेश दिए जाते हैं। वन संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। कई जगहों पर भाषण के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। लगातार हो रहे वनों की कटाई के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता स्तर, जो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे का निशानी है। अगर जंगलों को उजड़ने से नहीं रोका गया और नए पेड़ पौधों को नहीं लगाया गया तो विश्व भर के मनुष्यों और जीव जंतुओं के अस्तित्व पर पूर्ण विराम लग सकता है। टीम लोकल वोकल।